योकाई जापानी लोक कथाओं में अलौकिक संस्थाओं और आत्माओं का एक वर्ग है। उन्हें आमतौर पर आध्यात्मिक या अलौकिक क्षमताओं वाले के रूप में वर्णित किया जाता है। आकार बदलना उनके साथ जुड़ा सबसे आम लक्षण है। योकाई जो आकार बदलते हैं उन्हें बेकमोनो या ओबेके के रूप में जाना जाता है। जापानी लोक कथाकार और इतिहासकार योकाई को अपने मुखबिरों के लिए अलौकिक या बेहिसाब घटनाओं के अवतार के रूप में समझाते हैं। एडो काल में तोरियामा सेकियन जैसे कई कलाकारों ने लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर या पूरी तरह से अपनी कल्पना से नई योकाई का आविष्कार किया। आज ऐसे कई योकाई जैसे कि अमीकिरी को गलती से अधिक पारंपरिक लोक कथाओं में उत्पन्न माना जाता है। योकाई को अक्सर जापानी आत्माओं या पूर्वी एशियाई भूतों के रूप में संदर्भित किया जाता है, जैसे हनाको सान किंवदंती या स्लिट माउथ गर्ल की कहानी, जो दोनों जापानी किंवदंती से आती हैं। योकाई शब्द की व्याख्या कुछ अजीब या असामान्य के रूप में भी की जा सकती है। यहाँ कुछ सबसे प्रसिद्ध योकाई हैं। कप्पा, एक जलीय जीव जिसके बारे में कहा जाता है कि यह नदियों और झीलों में रहता है। यह अपने कछुए जैसे खोल और खीरे के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है। टैंगू, लंबी नाक वाला पक्षी जैसा प्राणी, इसे पहाड़ों की संरक्षक भावना कहा जाता है। कित्सुन, एक लोमड़ी की आत्मा जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत बुद्धिमान और चालाक होती है। इसे अक्सर नौ पूंछों के रूप में दर्शाया जाता है। तनुकी, एक रैकून कुत्ता जो अपने प्रेम और आकार बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। कुचिसा के ओना, कटे हुए मुंह वाली महिला, ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों से पूछती है कि क्या वे सोचते हैं कि वो सुंदर है। यदि वे नहीं कहेंगे तो वो उन्हें मार डालेगी। यदि वे हाँ कहते हैं तो वो अपने मुंह की बराबरी करने के लिए उनका मुंह काट देगी।